बैक टू माय चैनल। मैं मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। इसके लिए हमने लिया है स्ट्रॉबेरी, ये ले लिए स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल ताज़ी है, एकदम रेड कलर की है। और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको खाने से शरीर में जो ग्लो होता है वो बनता है, सही रहता है, और शरीर चेहरे पे जो लाइनें बनी होती हैं उनकी उनको रोकता है। ये झुर्रियाँ पड़ने से और जो लाइनें बन जाती हैं उनको बहुत जल्दी रोकता है इसको, इसका सेवन करने से। और इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम से कम मतलब करना चाहिए एक लिमिट के अंदर, तब ये फ़ायदा करती है। अगर से ज़्यादा कर लोगे तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान देती है। चलिए मिल्क शेक बनाना शुरू करें, करते हैं मिल्क शेक बनाना। इसके लिए हम दूध ले लिया है, 2 गिलास करीब दूध है, थोड़ी चीनी है और ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी की हम सबसे पहले ये चीज़ें अलग कर देंगे, इस तरह से हम साफ कर लेंगे ये, इनके सब डंडे ग्रीन ग्रीन से हम निकाल देंगे। मिल्क शेक हम बनाएंगे, स्ट्रॉबेरी शेक हम बनाएंगे जार में, मिक्सी में पीसेंगे इसको। इसके लिए हमने ये पूरे इनके डंडे निकाल दिए हैं, हम इनको बारीक बारीक काट के इस तरह से डालेंगे, इस तरह। इस तरह से काट के डाल देंगे ये। स्ट्रॉबेरी और दूध मिलके तो जो फायदे करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा है। वो दूध में भी कैल्शियम और विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है और इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, दोनों मिलके ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी। इसके लिए हमने ये काट लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास दूध, 2 गिलास बनाएंगे। ये दूध ठंडा लें, जब भी मिल्क शेक बनाए तो दूध ठंडा लेना स्ट्रॉबेरी के साथ। डालेंगे चीनी, 2 गिलास दूध है तो 2-4 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 गिलास में 2 चम्मच। थोड़ी सी और डाल देंगे, इसमें डालेंगे बर्फ की स्कूप, ये डाल देंगे बर्फ की। मिक्सी को चला लेते हैं, बना के दिखाती हूँ किस तरह से बना। ये देखिए हमारा मिक्सी में पीस चुका है, शेक तैयार हो गया। अब हम डालेंगे गिलास में,
स्ट्रॉबेरी शेक हमारा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे ये क्रश करके ही डालेंगे, ये कद्दूकस से क्रश करेंगे। ये देखिए हमारा शेक बिल्कुल तैयार है। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बताना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना ये हमारा स्ट्रॉबेरी शेक कैसा लगा आप लोगों को। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।